इस वीडियो में हम सेट के बारे में स्टडी करेंगे। सेट क्या है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उसकी बुनियादी तसव्वुरात उसके क्या हैं, उनको ज़ाहिर करने का क्या तरीक़ा है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें ये लफ्ज़ वेल डिफाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी मुख्तलिफ चीज़ों का कलेक्शन जो उम्दा तरीक़े से डिफ़ाइन किया गया हो, उसे हम सेट कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि हफ्ते के दिनों का सेट, तो इसमें सैटरडे, संडे, मंडे और ये सारे दिन जो है वो इसमें आ जाएंगे, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बन गए, सैटरडे, संडे, मंडे। और ये अच्छे तरीके से डिफ़ाइन है, यानी हम जब कह रहे हैं कि हफ्ते के दिनों का सेट, तो और दिनों के अलावा कोई और तस्वुर हमारे जहन में नहीं आता। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, हर सेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को हम एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। यानी किसी भी सेट के जो अरकान होते हैं, उन अरकान को हम मेंबर्स या एलिमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि एक डिनर सेट है, तो डिनर सेट दरअसल कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी उसमें कप्स, सॉरी, उसमें प्लेट्स हैं, उसमें छोटी प्लेट्स हैं, उसमें डिशेस हैं, उसमें स्पून्स हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। इन सब का जो कलेक्शन है और वो सेट है और वो उम्दा तरीक़े से डिफ़ाइन है। यानी जब हम कहते हैं डिनर सेट, तो हमारे जहन में सिर्फ डिनर सेट की चीज़ें ही होती हैं, टी सेट की चीज़ें उसमें शामिल नहीं होती। तो और सेट के अंदर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, उन्हें हम एलिमेंट या मेंबर्स ऑफ द सेट कहते हैं। और ये जो मेंबर ऑफ द सेट होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, किताबों के नाम हो सकते हैं, नेम ऑफ़ द डेज हो सकते हैं, नेम ऑफ़ द मंथ्स हो सकते हैं। यानी आप जिस चीज़ का सेट बना रहे हैं, उस सेट के जितने मेंबर्स हैं, उनके नाम आप उस सेट में लिख देते हैं। और वो नाम, अगर वो नंबर्स का सेट है तो वो नंबर्स पर मुश्तमिल मेंबर्स होंगे, अगर वो नामों का सेट है तो उसमें नाम मौजूद होंगे। तो मेंबर ऑफ़ द सेट कैन बी एनीथिंग, नंबर्स, लेटर्स, बुक्स, नेम ऑफ़ द डेज और नेम ऑफ़ द मंथ्स वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक सेट है जिसका नाम ए है और उसके मेंबर्स 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं। तो ये इसके एलिमेंट या मेंबर्स कहलाएंगे और ये एक पूरा सेट है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमें इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसमें 1 से लेकर 10 तक की गिनती मौजूद है, 11 इसमें नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट कहलाता है। अब हम बात करेंगे सेट की नोटेशंस की, यानी सेट को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करना पड़ता है, कैसे दिखाना पड़ता है। तो सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी या एक्स वाई जेड। यानी सेट जब आप बनाते हैं तो उसका नाम आप कैपिटल लेटर्स से रखते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट वाई है, ठीक है। इसी तरह जो एलिमेंट या मेंबर सेट के होते हैं, उन्हें हमें स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करना होता है। यानी अगर सेट के मेंबर्स वेरिएबल पर मुश्तमिल हों, जिनकी वैल्यूज़ का हमें पता ना हो, तो उनको हम स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करेंगे। और अगर नंबर्स हैं, कांस्टेंट हैं, तो उनको एज इट इज़ लिखा जा सकता है, नाम हैं तो उनको एज इट इज़ लिखा जा सकता है। लेकिन अगर वेरिएबल्स हैं तो फिर हम उन्हें
स्मॉल लेटर्स से ज़ाहिर करते हैं। ठीक, इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी एक सेट में जितने एलिमेंट हैं उनकी कुल तादाद क्या है उसे हम ज़ाहिर करते हैं मॉड्स से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन ए सेट एस आर डिनोटेड बाय मॉड एस, यानी एक सेट के अंदर जितने नंबर्स होंगे उनको उनकी तादाद को ज़ाहिर करने के लिए सेट के नाम के साथ मॉड लगाना पड़ेगा, या उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेट एस, या उसको यूँ भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेट एस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है एक्स, एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं या मेंबर्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये देखिए हमने इसका नाम कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया है और इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से ज़ाहिर किया है। इनकी तादाद को ज़ाहिर करने का तरीका मोड एक्स इज़ इक्वल टू 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज़ इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स इज़ इक्वल टू 5।